जिथे अजकल दी दुनिया नकली सुंदरता दे पिछे भज रही है, उथे ही जेकर असली सुंदरता देखनी होवे तां इस धी नूं देखो। सिक्खी बाणे चेती मनदीप कौर लुधियाना दे हलका गिल दे नाल संबंध रखदी है, जिसने रब दी दित्ती देन नूं रब्बी तोहफा समझ के उस दे नाल जीणा सिखिया ते सिंघनी खुद नूं कहाउण लगी सिंघ। मनदीप कौर आम कुड़िया तो वक्री सी, कारण सी मनदीप दे मुंडिया वांग दाड़ी ते मुच्छा आउणा, पर बाकियां वांग मनदीप ने केसां दा कतल नहीं करवाया। बेशक मनदीप कौर दा व्याह ना होण दा कारण भी उसदा एही स्वरूप सी। जिस रूप नूं व्याह दे लई नकारिया गया, मनदीप ने उसनूं ही अपनी ढाल बना लिया ते कौर तो सिंघ बन गई ते सिंघां वाले ही काम करन लगी ते अपने भरा दे मोढे दे नाल मोढा जोड़ के काम करवाउण लगी। मनदीप कौर नूं बुलट चलाउण दा भी काफी शौक है, ते आओ फिर सुनदे आं की कहना है सिक्खी स्वरूप मनदीप कौर दा। मैं अपने रूप नूं लैके अज तुहाडे सारे अग्गे पेश हुई हाँ कि अज सिक्खी इस रूप नूं सारे जने प्यार करो। अपने जो गुरु महाराज कह रहे ने कि सब तो वड्डी क्रहत यही है कि असी जे अपने केसां दी बेअदबी करांगे, केसां दी बेअदबी जिवें अज अमृत दी दात लैण तो बाद भी जानी केसां नूं रंगना जां केसां दी बेअदबी कर रहे ने, वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं अपने वीर नाल अपने परिवार के रह रही हाँ। सवेर के अमृत वेले के सिमरन अभ्यास तो बाद साडा किरत का काम शुरू हो जाता। अपने वीर दे नाल मैं ड्राइविंग करती हाँ, गड्डी चलाई दी आ, मंडी दे जाई दा। अपना 2012 दे विच मेरी मैरिज हुई सी, ते उत्थे मेन मुद्दा यही रखा गया कि हल्के हल्के बाल आउंदे सी कि असी अगे नहीं जीवन शुरू कर सकते कि बच्चों के अगे बाल आउणगे। उन्होंने इस चीज़ को मैनू नकारिया, पर मैं इस चीज़ को अपनाया कि जो रूप महाराज ने मैनू बख्शिया तो मैं वो माण करदी। मेरे वीर ने मैनू अमृत छकन लई कहा, तो सब तो वड्डी सपोर्ट मेरी उही ने, ते अज इस रूप नू मेरे नू बहुत प्यार मिल रहा, सत्कार हो रहा, जिथे भी जाइदा सारे प्यार करते ने, ते अज मैं अपना बहुत वधिया जीवन बतीत कर रही हाँ। ते सारयां नू मेरा यही सुनेहा कि कदे भी केसां दी बेअदबी ना करो, सिक्खी वल आओ। जे असी अपने धर्म नू छड के दूसरे धर्मां दे विच जावांगे, उत्थे सानू प्यार नहीं मिलना जो साडे गुरु ने सानू प्यार करना। सो इन्ना ही मैं कहना चाहुंदी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मिलने का चाओ मोगा रोली रोड रह के मैं अपना 3 साल का समा उत्थे बतीत किया, जीवन की जान सीखी कि असी संसार दे विच किस तरह विचरना, किवें असी इत्थे रह के अपना जो असी जीवन नू जित के असी अपने घर वापस जाना। महाराज फरमाउणा करदे ने, कहिंदे ने पई प्राप्त मनुख दे हरिया, गोविंद मिलन की इह तेरी वरिया। यही साडी वारी है, असी संसार दे विच आए हां, सानू इह मनुखा जीवन मिलिया, ते असी इत्थे रहिंदे होए स्वासां दी पूंजी नू उस अकाल पुरख दे चरणां दे विच जदों असी सिमरन करांगे, अभ्यास करांगे, तां उत्थे साडा जो असी अपने स्वास जमा करावांगे उहदे बदले सानू नाम दी दात मिलनी आ। ते फिर साडे महाराज कहिंदे ने कि इत्थे लोक सुखी है परलोक सहेले, ते असी अपना इत्थे कम कार करदे करदे किरत करदे करदे असी अपना जो मनुखा जीवन आ असी उहनूं वी जित के असी संसार तों फानी होवांगे। उधर दूजे पासे मनदीप कौर दे भरा दा कहना सी कि मनदीप ने उहनां नूं कदे वी भैण जां भरा दी कमी महसूस नहीं होण दित्ती। सो मनदीप मेरी भैण जो मेरे नाल अज मोढे नाल मोढा ला के मेरे नाल तुरदी है अते मेरे सारे घर दे कम मेरे नाल बणाउंदी है, अते जिवें कि आपां अज कल देखदे हां वी भरावां वाली कमी भैण वाली कमी मैनूं कदे वी महसूस नहीं होण दित्ती। मोटरसाइकिल चलाउणा उसदा, गड्डी चलाउणी, ते होर बहुत इहो जिहे घर दे कम ने जो मेरे नाल हत्थ बटाउंदी है, अते मैं भी इहनूं कदे कमी नहीं महसूस होण दित्ती किसे भी चीज़ की। हर बार
इनू बस मैं हौसला ही दिता है भी मनदीप तू ये कर सकती है, ये तू कर सकती है, मैं तेरे नाल हाँ, अगर कोई भी तेनू कोई दिक्कत परेशानी आती है मैं तेरे नाल खड़ा हाँ भरा। जो इन्हें जीवन की सोझी गुरु घर जाके सेवा करनी तो ब्रह्म गयान केंद्र यूनीवर्सिटी मोगे के चार साल इन्हें लाए ब्रह्म मिलने का चाओ, सो इनू ज्ञान भी है समत भी है तो हर बार स्वास ग्रह सिमरन करना तो परिवार को जोड़ी रखना यदा मुढ़ला फर्ज बनया है। तो मैं यही कहना है भी ये मेरी भैन नहीं ये मेरा भरा है, मैनू बहुत बहुत माण है अपने ते भी मैं इस मनदीप का भरा हाँ। कदे भी मैनू कितें मेरा हौसला टुटता है जां कितें मैनू कोई परेशानी आउंदी आ मैनू इन्हें बहुत हौसला देना मेरे मोढ़े नाल मोढ़ा ला के मैनू साथ देना, मैं अपने परिवार के नाल जुड़िया होया हाँ, मैं भी अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा रहा हाँ। मैं भी पहला सिखी सरूप तो आने तो पहला मैं अनजाण सी, मैनू नहीं सी पता सिखी बारे, जो मैनू सिख इतिहास का पता लग्या तो मैं सिख इतिहास के पता होने तो बाद मैं दाढ़ी केस कटाउंदा सीगा ते मोना सी, मैनू समत नहीं सी किसी भी चीज़ की, तो अपने यारां दोस्तां नाल हुल्लड़बाजियां करनियां लड़ना काली गलोच करना, तो मैनू नहीं सी पता भी सिख धर्म एक सोझी भी दिंदा है, जो सोझी लैके गुरु साहब ने मैनू ये बाणा सिखी सुरू बख्शिया से मैं यही बाणे दे नाल अज संसार दे विच मेरी सोभा इज्जत माण बनिया होया है। मैं सारे वीरां नू भरावां नू भैणां नू यही कहना तुसीं अपने सिखी सरूप नाल जुड़ो, जिवें कि मेरी भैण ने अज दाड़ा प्रकाश किया है, उसने कदे ये नहीं अपने आप नू शर्म मनी भी मेरे दाढ़ी आउंदी आ भी मैनू लोग की कहणगे, नहीं इसने अपनी सोच नू एक उपरला जीवन दिता कि उस जो सोच नू लैके अज ये तुरी है तो इसका माण सन्मान इज्जत बहुत प्यार मिलता है। तो जो भी इन्हें कितें जाना रास्ते दे विच मिलना तो कई गुरमुखां नू जां भैणां नू ऐ लगना भी कितें ये लड़का ही जा रहा है, तो जदों दसना करना मेरे नाल जाना तो इन्हां नू बड़ा महसूस होंदा यार मैं कहना भी मेरी सिस्टर आ, तो पहलां तां चौका लग जाना भी तुसीं झूठ बोलदे हो, तो जदों इन्हें अपनी आवाज़ दे विच गल करनी जां उस सिदक दे नाल गल करनी तो बड़ा जाने कि दूसरिआं नू भी इस चीज़ का वो हौसला मिलता सीगा भी हाँ वाकई कोई कुड़ी ने एक वधिया जाने कि अपना जीवन बनाया है। सो मैं अगे भी यही वीरां नू भैणां नू बेनती करदा तुसी सिक्खी सरूप दे विच आओ, जो गुरु साहब ने अपन नू ये बाणा सत्कार बख्शिया है आपां उसकी इज्जत करिए, रोम रोम ना कटवाइए वीरां नू ते भरावां नू, यही मेरी गुजारिश है। सो राज करेगा खालसा की रहे ना कोई, सब सिकन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, ये साडे गुरु साहब ने सानू इन्हां पंगतियां नाल शिंगारिया है। असी तहे दिलों लुधियाना टीम का धन्यवाद करते हैं भी इन्हां ने सानू एक साडी सोच नू अगे लैके आंदा साडी विचार नू अगे रखिया तुहाडे अगे, हो सकदा मेरी भैण दा जीवन देख के तुहाडी जिंदगी दे विच किन्ने क सुधार आ जाणगे मैनू नहीं सी पता। जब मैं भी सिक्खी सरूप दे विच आया तो मेरे यारां दोस्तां ने मैनू बड़ा कहना भी तनवीर तू इदा किवें चेंज आ गया तेरे विच इह किद्दां इह मैं पॉसिबल आ मैनू समझ नहीं लगी, तो मैं भी समझाणा करना कीता उन्हां नू भी इह तां जदों आपां इस सरूप दे विच माणे चाहवांगे जो आनंद सत्कार जो सानू मिलता है ये लखी करोड़ी चाहे अपने कोले होवे एक पासे रख दो, ते जो मान सन्मान चाहे खाली जेबां विच चले जाओ गुरु साहब ने अपनी चढ़दियां कलाई बख्शियां ने चढ़दियां कलाई रखियां हमेशा। तो मैं अपने इस सिक्खी सरूप वाले बाणे नू बहुत सत्कार करदा हाँ, तो बाकी मैं सारिआं नूं यही गुजारिश करदा तुसीं भी इस रास्ते नू अपनाओ अते जो गुरु साहब ने आपां नूं बाणा बख्शिया है उसदा सत्कार करो। सो मनदीप कौर ने अपना स्वरूप ना बदल के बाकी सिख कुड़िया नु भी सेध दिती है कि अपने धर्म दा अदब करना सारियां खूबसूरतियां तो उपर है। समूह सिख भाईचारे दे वल्लों मनदीप कौर दी शलाघा कीती जा रही है ते मनदीप ने भी अपना फैसला अटल रखिया। ब्यूरो रिपोर्ट स्काई न्यूज़ पंजाब।